चमत्कारिक रहस्यों से भरी है काशी। यहाँ आपको हर मर्ज की दवा मिल जाएगी। यह इस शहर की जादूगरी ही है। सवाल इतना सा है कि आपकी समस्या क्या है, यहाँ उसका निदान हाजिर है। कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में शंकर का वास है और सावन में यहाँ बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। काशी की कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ के मंदिरों में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक ना किया जाता हो। लेकिन काशी में महादेव का एक ऐसा मंदिर भी है जो सावन में भी बंद रहता है। साल में बस एक बार शिवरात्रि के दिन ही खुलता है, बाकी पूरे साल ही मंदिर बंद रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस शिवलिंग की बात कर रही हूँ उसके बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान कार्तिकेय, जो कि शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये शिवलिंग काशी के सभी शिवलिंगों में सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये शिवलिंग पाताल लोक से स्वयं भू स्थापित है और ये शिवलिंग काशी विश्वनाथ के पिताजी कहे जाते हैं, इसलिए इनका नाम पिता महेश्वर है और इनके दर्शन मात्र से ही किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो वो दूर हो जाता है और आने वाली 20 पीढ़ियों तक की मुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, काशी की इन रंग बिरंगी गलियों से होते हुए हम चलते हैं हम सब के पिता शिव जी के पिता, यानी कि पिता के पिता हमारे दादाजी के पास मिलने चलते हैं। और आप तब तक इन रंग बिरंगी गलियों का नज़ारा देखिए और साथ में हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं रास्ते में कि पितृ दोष क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कहते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधिवत ना कर पाए हों, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, या धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया हो, या फिर पीपल नीम बरगद जैसे पेड़ों को कटवाने का कुछ अपराध किया हो, या फिर नाग की हत्या की हो या करवाई हो, अगर इस तरीके का कोई भी कार्य घर में होता है तो उस परिवार को पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। पितृदोष का दंश झेलने से मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन में, जो उसके परिवार के व्यक्ति लोग रह जाते हैं, उनके जीवन में संतान का या तो सुख नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग, मंदबुद्धि, चरित्रहीन, या कई बार ये ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। जॉब में, बिजनेस में लॉस होता है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा रहता है, बीमार रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, शादी नहीं हो पा रही किसी की, या किसी को धोखा मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ये पितृदोष के दंश में आती हैं। तो वैसे तो इसके निवारण के लिए बहुत सारी पूजा पाठ वगैरह बताया जाता है और उनसे होता भी है कुछ कुछ असर, लेकिन जो ये पिता महेश्वर जी हैं जिनके दर्शन के लिए अभी हम जा रहे हैं, तो कहते हैं इनके सिर्फ एक दर्शन मात्र से ही पितृदोष जो है वो निवृत्ति मिल जाती है। और सिर्फ निवृत्ति ही नहीं मिलती बल्कि आने वाली 20 पीढ़ियों तक उसका रिजल्ट रहता है, यानी कि आशीर्वाद जो है वो 20 पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र होता रहता, ऐसा कहा जाता है इन शिव जी के बारे में, पिता महेश्वर जी के बारे में। तो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं शीतला गली में, जो कि काशी विश्वनाथ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रही शीतला गली, ये हमने एंटर किया, एक बहुत ही पतली सी गली है और यहाँ पे बाहर लिखा भी है लेफ्ट साइड में पर पिता महेश्वर मंदिर। वो बहुत ही पतली सी गली है और बहुत ही टूटा फूटा सा सारा एरिया है यहाँ पे, और बहुत ही प्राचीन सा है, बहुत सालों पुराना लग रहा, देख के ही लग रहा कि बहुत पुराना एरिया है। और ये जो हम एंटर कर रहे हैं, इस घर के अंदर जो आंगन बना हुआ है वहाँ पे स्थित हैं हमारे परम पिता महेश्वर, पिता महेश्वर जी जो शिवलिंग जी है वो इस आंगन में है। तो चलिए, अब ये बाहर ही घर के बाहर ही कुछ बने हुए छोटे छोटे भगवान जी बना रखे हैं और यहाँ से एंटर करके हम पहुँचते हैं अब आंगन की तरफ। और ये रहा वो एरिया, ये जो ग्रीन कलर का गोल सा दिख रहा है, छोटा सा कुआं जैसा बना रखा है, और ये रहे अंदर हमारे पिता परमेश्वर जी, पिता महेश्वर जी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, वो कुछ इस तरीके से है कि कहते हैं कि जब देवी देवता सारे काशी आए थे तो अपने पिता को ना देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। उनके मन में एक भाव आया कि इस जगह पर माता पिता का भी वास होना चाहिए। तब देवों ने परम पिता महेश्वर का आवाहन किया और देवों के आह्वान पर यहाँ भगवान शिव के पिता महेश्वर महादेव को स्थापित किया गया। और ये सारी जानकारी यहाँ पे रहने वाले इस परिवार ने, जो सालों साल से इनके दादा परदादा सब यहीं पे रहते आए हैं, तो इन्होंने ये सारी जानकारी मुझे दी। चलिए आइए करते हैं इनसे कुछ थोड़ी सी बात। शिवरात्रि में घूमता है, जाने का रास्ता किधर से? इधर से भी नहीं, कहाँ से भी नहीं, जो ताला लगा रखा है यहाँ से ताला।
अच्छा, अभी ताला बंद है, ये सिर्फ शिवरात्रि में खुलता होगा। क्या महेश्वर बाबा है जी, जब काशी निकालने समय में इसमें काशी खंडोत के बाबा है, काशी खंडोत में उनका घर है। ये जब देवी देवता पृथ्वी पे आए रहे तो अपने पिता को नहीं पाए रहे तो इनका आवाहन किए रहे देवी देवता। अच्छा, वो ये पिता महेश्वर नाम से यहाँ पे तब से, मतलब ये शंकर जी के पिताजी हैं। यहाँ पे गली है वहाँ पे विश्वनाथ जी है, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी। अच्छा, तो अब ये सिर्फ शिवरात्रि में इनके दर्शन हो सकते हैं, वो भी हम ये जो आप दरवाजा इसका ताला खोलेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं, ऐसा है ना? ऐसे सही है। तो दोस्तों ये हैं पिता महेश्वर जी, जो कि यहाँ ज़मीन से 30 फीट नीचे हैं, जैसा कि आपने देखा ही अभी, और जैसा इन लोगों ने भी बताया है कि सिर्फ शिवरात्रि को ही इनके दर्शन आपके सामने से हो सकते हैं, वो भी ताला लगा हुआ जो ये गेट अभिया था हमने, इस गेट का ताला जब ये खोला जाता है ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन खुलता है, और यहाँ से नीचे जाके फिर शिव जी की पूरी पूजा अर्चना आराधना जो भी होती है वो करी जाती है, जो कि सिर्फ साल में एक बार ही होती है। तो देखिए ऊपर से इनके दर्शन, कहते हैं कि नीचे भी लाइट कभी कभी ही मिलती है, कभी कभी कुछ लोग आते हैं तो उनको अंधेरा भी मिलता है, और हम थोड़े से भाग्यशाली हैं इस मामले में कि हम आए और हमें यहाँ पे नीचे भी लाइट मिली, ताकि हम ऊपर से ही सही पर शिव जी के दर्शन तो कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वापस। जय बम बम बोले जी।